केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। 26 जनवरी को भी हिंसक घटना के बाद दिल्ली पुलिस इस बार कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पूरी दिल्ली में आज 50,000 जवान अलग अलग बॉर्डर पर तैनात किए हैं। वहीं दिल्ली में आज केंद्रीय सचिवालय राजीव चौक सहित 12 मेट्रो स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं आज जनतंत्र टीवी की टीम ने बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर जायजा लिया। यहां पर दिल्ली पुलिस और यहां पर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग के ऊपर तारकसी के अलावा क्रेन जेसीबी ट्रक को बॉर्डर पर खड़ा किया गया है। जिस तरीके से किसान का आंदोलन चल रहा है और आज फिर 6 फरवरी है, चक्का जाम को लेकर किसान ने किया था 12 बजे से 3 बजे तक, मगर जिस तरीके से यहाँ पे हर बॉर्डर पर दिल्ली के गाजीपुर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, बदरपुर बॉर्डर हो या आया नगर बॉर्डर, आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रक है, क्रेन है और यहाँ पर कील वो तार वाले हैं और यहाँ बैरिकेड हैं, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का पूरा इंतजाम है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े क्रेन हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं कि कहीं से भी आशंका कहीं कि किसान ने घुस जाए, बड़े बड़े पत्थर के बैरिकेड हैं। और जिस तरीके से आज किसान का जो बोला गया था 6 फरवरी को, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरा तैयार है। एसएसबी के जवान बैठे हुए हैं, सीआरपीएफ के हैं, पूरी तरीके से सब अपने आप को गाड़ी लेकर पूरी दिल्ली पुलिस बहुत तरीके से इंतजाम से खड़े हुए हैं। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।